जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम पिता परमेश्वर को याद करें क्योंकि आज हमारे लिए विशेष दिन उन्होंने दिए हैं। आज हम विशेष रूप से सपना और मोनिका का जन्मदिवस मना रहे हैं और जिन्हें ईश्वर ने हमारे लिए एक योद्धा के रूप में इस दुनिया में भेजा है और अपनी योजना के अनुसार इस दुनिया में भेजा है। ईश्वर की योजना उनके लिए विशेष है जिन्हें पूरा करने की ज़रूरत है। हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनके लिए जो भी योजना बनाकर भेजे हैं उनके द्वारा पूरी कर सके ताकि उनका जीवन इस दुनिया में सार्थक सिद्ध हो सके और उनके जीवन में वो सारे फल मिले जिन्हें जिन चीज़ों में सफलता पाना चाहते हैं। पिता ईश्वर उन्हें अपनी सहायता दे क्योंकि हम सभी मानव अपने आप को दुर्बल समझते हैं, लेकिन जब हम ईश्वर से जुड़े रहकर उसकी सहायता से हम अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो वे उनका हृदय हमारे लिए खुला हुआ है, उनका हाथ हमारे साथ देने के लिए हमेशा तत्पर है। आइए हम जब we'll be right back.
संत योहन के अनुसार सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्याएं 1-8 तक। मैं सच्ची दाता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूँगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ और तुम डालियाँ हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूँ वही फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम्हें मेरी शिक्षा बनी रहती है तो जो चाहो मांगो वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। आइए हम इन वचनों पर मनन चिंतन करें। हमने ये वचन बहुत बार सुना है लेकिन इसके गहरे अर्थ को हम अभी तक नहीं समझे। जब हम इस वचन को हम अपने दिल दिमाग में हम याद रखें और हृदय से इसे स्वीकार करेंगे तो यह वचन हमारे जीवन में बहुत सारे फल उत्पन्न करेगी। हम जीवन में हर एक क्षेत्र में अच्छे होते हुए देखेंगे। हम जो चाहेंगे वो हमारे जीवन में पूरी हो जाएंगी। ईश्वर के वचन में वो सामर्थ्य है, वो ताकत है जो जिसका हम पालन करेंगे तो हमारे जीवन की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएगी। हमारे जीवन में वो चीज़ संभव हो पाएगा जिसे हम अब तक असंभव देखते हैं। तो यहाँ मैं सच्ची दाखलता हूँ और मेरा पिता बागवान है। जैसे प्रभु यीशु अपने आप को यहाँ दाखलता बोल रहे हैं, अंगूर का लता कहते हैं और हम उसकी डालियां हैं। यदि दाखलता से डालियां अलग हो जाए तो वह मुरझा जाती है और कोई भी फल नहीं उत्पन्न करती है। इसलिए ईश्वर हमारे लिए एक पेड़ के तने के जैसे हैं और हम सभी कोई एक एक डालियां हैं। हम अपने आप को इस सब से जोड़े रखें और आगे कहा गया है कि अगर जो इस सब से जुड़े नहीं रहेगा, तना से जुड़ा नहीं रहेगा, वह सूखी डाली की तरफ फेंक दिया जाएगा। जैसे हम जानते हैं कि पेड़ की डालियां को अगर काट दिया जाता है, उसके तने से अलग कर दिया जाता है तो सूख जाती है और वह फेंक दिया जाता है और हम लोग उसे आग में झोंककर जला देते हैं। तो इसलिए ही यह शिक्षा हमारे दिल में, हृदय में बनी रहे
हमारे दिमाग में याद रहे और उसको हृदय से हम इस वचन का पालन करते हुए चले जाएं, तो इससे हमारे पिता ईश्वर की महिमा प्रकट होगी और हम बहुत सारे फल उत्पन्न करेंगे और ईश्वर के शिष्य बने रहेंगे। हम मोनिका और सपना के जीवन में प्रार्थना करें कि वे भी अपने जीवन में पिता ईश्वर से यीशु से जुड़े रहकर रह सके और अपने जीवन में हर एक क्षेत्र में सफलता पा सके, अपने आप को ईश्वर से अलग ना कर पाए, ताकि कोई भी उनके जीवन में हताशा निराशा का सामना ना करना पड़े। अपने आप को हमेशा ईश्वर से जुड़े रखने के लिए मनन चिंतन करें, ईश्वर के वचनों का पालन करें। मनन चिंतन करके ही हम सब ईश्वर के वचन का गहरे अर्थ को हम समझ पाए पा सकते हैं और उसके सच्चे अर्थ को हम समझ कर उसे अपने हृदय में बसा कर उसका पालन करते चले जाएं, जिससे हमारे जीवन में हर काम में हमें सफलता मिले और हम अपने जीवन में फल को देख सकें। हम यह छोटी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पर करते हैं। कृपा करके हमारे हृदय की सभी प्रार्थना एवं निवेदन को सुन और पूरा कर। आमीन। हे हमारे पिता, नहीं खाता है। अर्पित हमको देख रहा है। एक बार खाएगा तो बार बार खाएगा। Thank you.
एक बार